तो वो यार मतलब हर एक जो कूल बंदा होता है ना, वो हर बार यही चीज सोचता है कि यार काश ना ऐसा ना ज़ॉम्बी वाला टाइम आ जाए, हैं पूरे सब जगह ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी हो जाए, मेरे को ऐसे गन्स वंस मिल जाए, बढ़िया सी स्कूल के कोने में मेरी गर्लफ्रेंड बैठी हो, मैं उसको लेकर भाग जाऊँ, फक हेल सब कुछ। अबे भाई इतनी तगड़ी तुम्हारे आगे सिचुएशन में ज़ॉम्बी से तुम्हारे हाथ में गन है, गाड़ियाँ है, चढ़ा दो ना सर पे साड़ों के। Guys, this is your Max Chaos. Hello, मेरी जान, this is Max Chaos और आप सब मेरी अनमन शांति, कैसे हो यार? एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी गेम लेके, बहुत ही खतरनाक सी गेम लेके। गेम बेस्ड है 90s के ऊपर या 90s से पहले के भी ऊपर, नाजी के ऊपर। और जिसको पता है नाजी क्या है तो उसको पता है कि हिटलर कौन था। मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने ऐसी स्क्रीन में कोई बहुत बड़ा बेड़ा पार नहीं करा था, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मेन बात, अब आ जाते हैं गेम पर। सो गेम इज बहुत ही ऑसम, तो देख लो यार ये गेम है या इट्स अ फकिंग ऑसम गेम जो कि लो एंड पीसी। तो ये है गेम, वहां सामने स्टार पे मेरा ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही चीखने चिल्लाने के बाद आ रही है वो सामने से चमन कुछ उठता हुआ दिख रहा है आपको, वो उजड़ा चमन, वो उजड़ा चमन यार, शिट, ओ फक, कितने सही शॉट्स आ रहे हैं, हेल या यार। मतलब बेसिकली सच बताऊं ये गेम का नाम है नाजी ज़ॉम्बी, स्नाइपर एनलीट नाजी ज़ॉम्बी, या इट्स अ पार्ट ऑफ स्नाइपर एनलीट। ओके, सो वहाँ पर से ज़ॉम्बीज़ का बेड़ा आना शुरू हो गया है और मेरे को साथ साथ में लड़ते भी रहना पड़ेगा। शिट फकिंग बिच। और सच में ये गेम बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। जब मैंने इस गेम को फर्स्ट टाइम देखा था तो मेरे को ऐसे लगा था कि यार थोड़े हाई एंड पीसी की होगी, काफ़ी अच्छा खासा मेरे को चाहिए। और यहाँ पर मैं शायद बंदों के उससे वो हाँ ई से ये उनमें से निकाल सकता हूँ चीज़ों को जो मुझे अच्छी लगी। सो मेरे को ये गेम लिटरली इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसका कलर बैकग्राउंड जो था मेरे को सबसे अच्छा वो लगा, लाइक कलर बैकग्राउंड एकदम हेल वाला है, कहता ना हेल, वो रेड रंग का आसमान हो रखा है, खूनी पानी हो रखा है, मतलब बहुत ही सही एज कंपेयर करूँ तो। गेम जो है बेस्ड ऑन, फुल बेस्ड ऑन हिटलर, हिटलर भैया जी पे पूरी पेज है ये लग। और ये मत सोचना कि इसमें स्नाइपर एनलीट नाम है तो स्नाइपर ही यूज हो रहा होगा, मे बी मेरे किसी सब्सक्राइबर ने या मे बी मेरे किसी लाइक जो मेरी वीडियोस को करता है उन्हें पता होगा, या उन्होंने अगर नाजी सॉरी आई मीन स्नाइपर एनलीट खेली होगी तो उन्हें पता होगा कि इसमें मशीन गन का भी बहुत सही प्रयोग हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंग्लिश मेरे औकात के बहुत ज़्यादा बाहर है। सो यहाँ पर पानी जो है रेड कलर का, मुझे ये गेम मैंने बताया ना इसीलिए पसंद आई क्योंकि इसका ये एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सही। और मैं भी सच बताऊँ मैं इस गेम को लो करके खेल रहा हूँ और ये मेरे पीसी में बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से चल रही है। सेक्सी मतलब तुम लोग समझ गए होंगे। बहुत ही ज़्यादा सेक्सी तरीके से चल रही है गेम, बहुत ही ज़्यादा हेल है गाइस, मैं सच बता रहा हूँ ये एक अलग लेवल की है, यानी कि 90s की है प्लस में इसमें आपको हिस्ट्री दिखने को दिख जाती है। हिस्ट्री फक हिस्ट्री यार, मेरे एसएसटी में सबसे गंदे नंबर आए थे, सबसे कम नंबर थे मेरे एसएसटी में, आई हेट एसएसटी टू मच। कमेंट करके बताना एसएसटी किस किसको पसंद नहीं है। और ये बहुत ही तगड़ा शॉट था मेरे हाथ से लगा हुआ, हड्डियाँ उजाड़ देंगे आज हम लोग इन सब की। कवर ले सकते हैं इस कवर, ये मुझे बहुत सही लगता है किसी गेम में कि हम या कवर ले सकते हैं। भागने का स्टाइल बहुत सही, एकदम कैमरा एकदम जूम इन हो जाता है जैसे भागने का टाइम आता है। बहुत सही गेम है, बहुत खतरनाक गेम है, लाइक मे बी हो सकता है या आर रेटेड गेम हो क्योंकि खूनी बहुत ज़्यादा है इस गेम में, खून जैसा रंग पूरे में फैला हुआ है और गेम काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी है। वो बंदे ना खेले जिन्हें इन सब चीज़ों से डर लगता है, मैं खुद इस चीज़ को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारी गेम्स ऐसी मतलब लाल एकदम रियलिस्टिक भर देती हैं कि किसी को पता। जहाँ पर ये बंदे की मुंडी देख रही हूँ, मतलब
गेम बनाने वाले ने क्या इन्वायरमेंट सोचा होगा ना यार कि कैसे, इसलिए मैं हर गेम की रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार बहुत मेहनत लगती है गेम को ही नहीं किसी भी चीज़ को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट वही है कभी कभी कुछ कुछ अगर हाँ कुछ मिलता है तो कुछ नहीं भी मिलता है और वो इस गेम में भी है। मैंने खेला इस गेम को बहुत अच्छे से गहनतापूर्वक, लगभग मैंने 2 दिन इस गेम को बहुत प्योरली खेला है, उसके बाद मैंने इसे दोबारा रिस्टार्ट कर दिया कि हाँ मैं समझ गया हूँ कि अब ये गेम में क्या है क्या नहीं है। 2 दिन बहुत बैठ के से ढंग से मैंने खेला है। सो बता दूँ गेम जैसे मैंने पहले बता दिया, वैसे तो पता ही दिया है कि गेम बेस्ड है 90s वो हिटलर वाले उसके ऊपर SSD के ऊपर और गन्स के ऊपर ज़ॉम्बीज के ऊपर, ठीक है। और जो कि सबसे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसमें ये लगती है कि या ज़ॉम्बी सामने खुद ऐसे उठ के एकदम से आते हैं, और जो जिसने जिस चीज़ ने मुझे पर्सनली इस गेम की तरफ अट्रैक्ट किया था वो था इसका एनवायरनमेंट, या मुझे इसका एनवायरनमेंट सच में बहुत सही लगा। ऐसे हेल टाइप एनवायरनमेंट जैसा देख सकते हो, पूरा हेल टाइप एनवायरनमेंट है और ये बेसिकली एक रिव्यू कह सकते हो एक तरीके का। बट ये अभी मैं गेम प्ले आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके की गेम ये चलती है। सच में गेम बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, ये मैं सोच रहा कि गेम बहुत ही ज़्यादा बेकार है, सच में गेम बहुत ज़्यादा हो सकता है। ओ भाई मेरे को ऐसा लगा मेरे बगल में कोई था। आ गई सुनामी, ज़ॉम्बी सुनामी। ज़ॉम्बी सुनामी बहुत सही गेम है यार, पर फ़ोन के लिए है, पीसी वगैरह के लिए मैंने ऐसे खेलने में पीसी में तो मज़ा नहीं आएगा, टाइम पास गेम अच्छी ज़ॉम्बी सुनामी काफ़ी सही लगती है। गेम बहुत ज़्यादा सही यार ज़ॉम्बी के मामले में, बहुत सारी गेम्स हैं अभी भी जो ज़ॉम्बीज के लिए आती हैं और बहुत ज़्यादा सही होती है। बट बता दूँ ये गेम मुझे इसलिए ही पसंद आई क्योंकि इसका एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा सेक्स है और गेम सच में हैवी बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोगों ने नोटिस ना किया हो तो एक चीज़ दिखाता हूँ, वो चीज़ देख रहे हो कैसे तड़प रही है ऊपर, ये बिजली कड़कती है ब्लैक एंड वाइट और वो जो ऊपर जो वो तड़प रहा है ना वो तड़प है। यार सही में एमिंग भी बहुत ज़्यादा सही है गेम की, काफ़ी काफ़ी सारी जगहों पर मैंने देखा है कि ओ फक यार, ओ भाई तो ठीक है अब काम आएगी पिस्टल। पिस्टल कहाँ है, ओ पिस्टल तो बहुत सही है। आवाज़ इस गेम की बहुत सही है, लाइक जब लास्ट टाइम मैंने रिव्यू करा, मतलब लास्ट टाइम गेम प्ले भी करा और रिव्यू भी करा था मैंने एलियन वर्सेस प्रेडेटर का, तो मैंने उसमें ये चीज़ नोटिस करी थी कि आवाज़ सही में लिटरली बहुत सही थी उस गेम की। पर वो अटैक मोड में आ गया, रेज मोड ऑन, तो जो उसमें जो था आवाज़ सही में लिटरल बेस पे काफ़ी सही थी उस गेम की। बट जो मुझे उसमें सबसे बेकार चीज़ लगी वो इसकी छुप रही थी, और जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी और भी ज़्यादा नहीं लगी उस गेम के अंदर वो ये थी कि एलियन वाला मोड मेरे और पास के बिल्कुल खास था खेलने के लिए। क्या मैं ग्रेनेड थ्रो नहीं कर सकता? ओके पट से हेडशॉट, एक पट से हेडशॉट करके देखते हैं यार। मज़ा नहीं लाइफ गाइस, जियो और जीने दो, यही तुम्हारे भाई का फंडा है। नाचता है अब मैं सारे, रीलोडिंग बहुत ही सही किस्म की रीलोडिंग है, पूरा बकायदा रीलोड होते। ओ तुम्हारे भाई का पट से हेडशॉट, ये सिनेमैटिक व्यू मुझे इस गेम का सच में बहुत सही लगता है। मैंने ना पर्सनली इसका ट्रेलर देखा था, इसी का ये तुम्हारे पट से हेडशॉट इसी का रिव्यू देखा था, ये रिव्यू सच में बहुत खतरनाक था जब मैंने इस गेम को फर्स्ट टाइम देखा था। ये चीज़ मुझे इसकी और भी ज़्यादा खतरनाक लगी, कैसे हेडशॉट लेते जाएंगे या कोई तुम खतरनाक से शॉट लेते हो ना तब ये बहुत ही खतरनाक तरीके का सिनेमैटिक व्यू दिखाता है। एक गोली निकालता वो उसके माथे के अंदर गोली घूमने की सिनेमैटिक शॉट हुआ है, मजा आता है देखने। ओ व्हाट दैट शॉट,
डावे नंबर बेटे। अरे यार क्यों यार, ओए लगना भाई। सामने आते तो इनका रेज जो कि तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें भस्म कर देगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कार की मुझे 5 बंदूकें आई मीन गोलियां मिल गई यार, शॉट शॉट गोलियां मिल गई, कट दैट शॉट, दैट शॉट यार दिस बहुत सही आ रही है सर, बता रहा हूं बहुत ही खतरनाक से। ओए 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 फक यू, मर जा कुत्ते। अब बैगी मेरी जुत्ती, मुझे उसको मारना है, उसको मार के देखना मैं कैसा है वो, क्या चीज क्या है, व्हाट द फक इज दिस। ओ भाई सही में इसमें सीन बहुत खतरनाक है गाइस, मत खेलना, जिसका दिल दिल से दिल का नाता जो है बहुत छोटा होता है मत खेलना, सच बता रहा हूँ फट जाएगी दिल की, वो नहीं कह रहा गलत बोलते हैं। सो गेम को आते आते इतना आगे तो एक छोटा सा रिव्यू कर देते हैं। वैसे आप लोगों को पता हमारा एक नया सिस्टम चला है कि पहले गेम प्ले थोड़ा सा दिखाना है फिर उसके बाद एक पूरा रिव्यू दे। सो यहाँ पर एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। गेम बहुत सही है, बहुत ही डीप है, इनहेंस्ड ग्राफिक्स है, और जो आप ग्राफिक्स देख रहे हो मैं बहुत ही लो पे चला रहा हूँ, लिटरली मैं बहुत ही लो उस पे क्वालिटी पे गेम को चला रहा हूँ। गेम बहुत सही है लो क्वालिटी में, मैं ये नहीं बोलूंगा, बहुत ही इनहेंस्ड है भाई साहब, लो एंड भी सीख लेना बहुत सही है, सच बता रहा हूँ, खेलना इंजॉय करना। मे भी अगर आपको यूट्यूब पे देखकर ये लग रहा हो यार ये गेम अच्छी नहीं है, इसके ग्राफिक लेवल उतने सही नहीं है, तो यार मैं पहले बता दूँ यूट्यूब पर मैं भी एकदम नहीं विश्वास करता हूँ किसी किसी चीज़ का, बट किसी किसी चीज़ का कर लेना चाहिए अगर बंदा बोल रहा है तो। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि ये गेम मे भी आपको यूट्यूब पर अच्छी ना लग रही हो, बट एक बार खेल के देखना, पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर देखना, मैं सिर्फ बता सकता हूँ, जैसा हर बार बोलता हूँ मैं सिर्फ बता सकता हूँ, खेलना आपको है, आपको करना है। इतना आगे आ गए, चलो और खेलते हैं। अब आप बोल लोगे यार गेम की इतनी तारीफ कर रहा, लग रहा गेम बहुत सही है, लग रहा कोई डिसएडवांटेज ही नहीं है, बट भाई है इसमें ही नहीं, हर गेम में होती है एक डिसएडवांटेज, तो इसमें कैसे नहीं होगी। कोई जगह यार ऐसे डरा मत, साउंड क्वालिटी बहुत है। ओ भाई ओ भाई भाई मेरी पत्नी, भाई मेरी पत्नी, भाई आ गए, भाई पूरी बारात लेके आए हैं। कहाँ तो फेंका है, ओ भाई शिट शिट, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, अब लग रहा है मुझे बनना पड़ेगा जॉन विक, अबे साले पिस्टल से ही सारी चीजों को इधर से उधर करना पड़ेगा। वो तो कुछ भी नहीं रहा साले के साथ, गर्मी बहुत ही ज्यादा हो गई है, गेम में नहीं असली जिंदगी में, गेम में ही मत जियो गाइस, असली जिंदगी में भी आओ थोड़ा बहुत जी लो इस जिंदगी को, क्वारंटाइन चल रहा है, हार मत जाओ, और जा भी रहे हो तो एक बंदा जाओ, मम्मी पापा को परेशान मत करो, बोलने के लिए होता है ना बस, मम्मी पापा को परेशान मत करो साले। और मैं बताऊँ मेरे ना बहुत सारे से दोस्त हैं, कहता भाई बार ना ज़ॉम्बी आ जाए, मैं अपनी गर्लफ्रेंड लेकर उठा जाता, मैं कहता हूँ एक बार आ गया ना ज़ॉम्बी वाला मोड अपनी रियल लाइफ में, उनका भागा भी नहीं जाएगा लिटरली, वो जिस तरीके से कह देते ना भाई मैं लेकर चला जाऊंगा अपने बंदे को बंदूकों के साथ, वो मैं एक अलग दुनिया, भाई क्या कर क्या उखाड़ क्या लोगे तुम, वो तुम्हारे आगे आ गया तुम उखाड़ क्या लोगे, पहले एक बात बताओ गॉड क्या ऐसे बोल देते हैं यार बंदे, ज़ॉम्बी वाला मूड गाड़ियाँ
सर्राटेदार गाड़ियाँ और फिर वो सिचुएशन, वो भाई हेलमेट उतार दिया, अब इनके अंदर से क्रेट्स लूटेंगे, मतलब दीवारों के पीछे भी कहीं तो छोड़ दो। पट पैड शॉट इंस्टिंक्ट किल, जॉन भी बन रहा तुम्हारा भाई, सीरीज तो आज तक कभी देखे नाम नाम सुना जॉन। ओहो तीस गोली इंस्टेंट किल भाई, इंस्टेंट किल, छोड़ूंगा नहीं। रिफिल फुल है यार, फुल है। पट दैट शॉट बेटा, पंगा नहीं है, हम बहुत खतरनाक चीज है। सो गेम में अगर आप बोलोगे कि यार क्या कमी है जो मैक्स के ऑफ को लगी, सो यार थोड़ी सी जो है इसके शिफ्टिंग, यानी कि अगर मैं बात करूँ देखने की क्षमता, इंग्लिश यार बहुत कमज़ोर है, बुरा मत मानना गाइस, हद से ज़्यादा इंग्लिश कमज़ोर है, कोशिश कर रहा हूँ डेवलप करने की, वो भी करता रहूँगा। बात करूँ इसके सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी की, तो वो बहुत ही स्टिफ किस्म की सेंसिटिविटी है, लिटरली यकीन नहीं करोगे स्टिफ किस्म की सेंसिटिविटी है, बहुत ही, इतनी भी स्टिफ नहीं है, इतनी भी स्टिफ नहीं है जितनी अगर मैं जोर देकर बोलूं अपने पूरे मुंह से, इतनी स्टिफ नहीं है, बट या इट्स अ काइंड ऑफ स्टिफ। तो अभी हम देखेंगे सेंसिटिविटी एक्स, सेंसिटिविटी वाई, स्कोप सेंसिटिविटी एक्स एंड स्कोप सेंसिटिविटी वाई। ओके बहुत हो गई इंग्लिश, अब गेम को खेलते हैं। बैक एस्केप एंड बैक ऑल्सो, ठीक है सेंसिटिविटी बढ़ गई है, बट या इट्स अभी भी एक होता है ना, एक बहुत ही स्मूथ तरीके से सेंसिटिविटी होती है, बहुत ही स्मूथ किस्म से निकल जाती है, एक होता है यार काफी स्ट्रिक्ट, या इसमें यही चीज खराब थी। सो यहाँ पर हमने अपनी सेंसिटिविटी ठीक कर ली है, बट इट्स अ काइंड ऑफ स्टिफनेस आई रही है थोड़ी सी, एक होता है स्मूथ स्मूथ एकदम इधर से उधर लहर रहा है, एक होता है स्टिफ, कितना भी बढ़ा लो सेंसिटिविटी को नहीं होता। सो या बढ़ते हैं आगे, अच्छा यहीं से तोड़ के आए तो भाई साहब वो खतरनाक से प्राणी कल मुंहों से सकल के, अब कोई नहीं चलते हैं। ओ वाओ, नई प्लेस, नई जगह। तो ठीक है गाइस, इतना आपके सामने रख दिया है मैंने पूरा गेम प्ले, इतने से गेम प्ले मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, बहुत कुछ आप लोग समझ भी गए होंगे इस गेम प्ले को लेकर। तो एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ, गेम बहुत मस्त है, नाजी SSD के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, और हिटलर वाली है। सो अगली जो वीडियो होगी इसके फुल आउट ऑफ फुल रिव्यू की होगी, जहाँ पर आपको इसकी एक एक चीज की पूरी पूरी नॉलेज दी जाएगी, गेम कैसी है, क्या है, कितना है, इस गेम ने क्या अवार्ड जीता है, वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। गाइस बात करूँ ओवरऑल की, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा इस गेम के साथ, मे भी अगर आपको यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखकर थोड़ा सा लगता होगा यार गेम बहुत सही नहीं है, तो मैं पहले बता दूँ एडिटर मेरा बहुत थोड़ा अजीब सा है, मुझे भी खुद ऐसा फील हो रहा है कि एडिटर से कुछ गलतियाँ होती हैं, कि वो साउंड अटका देता है, वो एडिटर से, मतलब मेरा एडिटर मुझे ऐसे देख रहा है घूर के कि यार मेरे में क्या गलती है, मेरा मतलब एडिटर जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है उससे मेरे काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं, वो नहीं कर पाता इतना कैचअप जो भी मेरा एडिटर का सॉफ्टवेयर है जिससे भी मैं एडिट करता हूँ, मतलब
उससे। सो यहाँ पर गेम बहुत ही मस्त है गाइज, और आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। क्विक ओवर भी मैंने दे दिया है, गेम बहुत सही है। जहाँ ये मार्क आती है वो छोटी सी चीज़ है कि ये इसकी जो सेंसिटिविटी है काफ़ी स्टिफ टाइप की है, मतलब एक अकड़ी अकड़ी सी चलती है, कितना भी सेंसिटिव कर लो वो अकड़ी अकड़ी सी चलती है, वो एक स्मूथनेस सी नहीं आती है गेम के अंदर। और यार गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मस्त है और बहुत कूल है गेम, मतलब। और वो बंदे ना खेलें जिनको ऐसे खून जो होते, मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे मेरे भी जो खून देखते बेहोश आते हैं, लाइक कुछ होता होगा, कुछ भी होता होगा यार, अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो वो उस टाइप की गेम है, थोड़ी सी ब्लडी है, आर रेटेड है कहते हैं ऐसी गेम्स को। सो या आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं देखता हूँ मेरे पे व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं, थोड़े बहुत ठीक ठीक व्यूज़ आ जाते हैं, पर लाइक्स मेरे को उतनी नहीं मिलती। सो क्या जा रहा है, लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाएगा यार, विदाउट पेड है, मैं पैसे भी नहीं लेता सब्सक्राइब करने के, यही तो। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो अंटिल देन मौज लेंगे, रोज लेंगे, और नहीं मिलेगा तो मिस्टर मैक्स के उससे पूछ लेंगे गाइज, बाय बाय।